स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। एक नजर डालेंगे 5 मिनट में 25 खबरों पर। महाराष्ट्र की सरकार में मची हलचल के बीच शिवसेना सांसद संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे पर मचे घमासान को लेकर संजय राउत ने कहा है कि अगर सरकार सही जांच के लिए तैयार है तो फिर बार बार इस्तीफे की बात क्यों हो रही है। देश में अब हर दिन कोरोना वायरस रिकॉर्ड तोड़ रहा है। पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 44,991 नए मामले सामने आए, जो इस साल एक दिन में सबसे ज्यादा हैं। वहीं कल कोरोना से 212 लोगों की मौत हो गई। जम्मू कश्मीर के शोपिया में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 और आतंकियों को मार गिराया। शोपिया के मनीहाल में मारे गए आतंकियों की अभी पहचान लश्कर के आतंकियों के तौर पर हुई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बंगाल और असम में अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। जेडीयू ने बंगाल और असम में अपने प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह बांटना शुरू कर दिया है। दिल्ली में एक बार फिर सब्जियों के तेवर 7वें आसमान पर हैं। दरअसल दिल्ली में सब्जियां काफी महंगी हो गई है। भिंडी हो या परवल हो या करेला, सभी के दाम शतक लगा रहे हैं। दिल्ली में लगातार दूसरे दिन 800 से ज्यादा कोरोना के नए मामले दर्ज किए गए। दिल्ली में रविवार को 823 नए मामले सामने आए, जबकि एक शख्स की मौत हो गई। राजधानी में संक्रमण दर 1% से ज्यादा बरकरार है। पूर्व मुंबई पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह के पत्र ने महाराष्ट्र की राजनीति में खलबली मचा दी है। इसे लेकर बीजेपी लगातार शिवसेना सरकार पर हमलावर है। इधर शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में आरोप लगाया है कि फडणवीस के मोदी शाह से मिलने के बाद परमबीर सिंह की चिट्ठी लीक हुई। हाथरस में हैवानियत का शिकार हुई 19 साल की पीड़िता का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बहुजन समाजवादी पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने इसको लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने योगी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। बिहार के 109वें स्थापना दिवस पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यवासियों को शुभकामनाएं दी हैं, साथ ही बिहार के विकास की कामना की है। कोरोना की वजह से इस बार भी बिहार दिवस पर किसी प्रकार के समारोह का आयोजन नहीं किया गया है। एक साल पहले कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच आज ही के दिन जनता कर्फ्यू लगाया गया था। पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता कर्फ्यू की घोषणा करते हुए भारतवासियों से अपने अपने घरों में बंद होने के लिए कहा था। मौसम विभाग ने दिल्ली में गरज के साथ बहुत ही मामूली बारिश होने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग के अधिकारियों ने अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया है। पहली बार अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर में होली पूरी भव्यता से मनाई जाएगी। ये पहली होली है जब राम लला की मूर्ति एक तंबू में नहीं बल्कि एक मंदिर में स्थापित की गई है। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। उन्होंने इस बात की जानकारी खुद दी है। बता दें आज तीरथ सिंह रावत की दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ मीटिंग थी। कान्हा की नगरी में होली का उल्लास शुरू हो गया है। राधा रानी की नगरी बरसाना में लठमार होली से पहले आज लड्डू होली खेली जाएगी। राजस्थान के बीकानेर से एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहां खेलते हुए कनाज भंडारण कैंटर में गिरने से 5 बच्चों की मौत हो गई। पश्चिमी विक्षोभ के असर से पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी हो रही है, वहीं राज्य के मैदानी इलाकों में बारिश की संभावना है। आज सप्ताह के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार लाल निशान के ऊपर खुला। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 310.04 अंकों की गिरावट के साथ खुला। टीम इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज का आखिरी मुकाबला भले ही जीत गई हो लेकिन उसे एक बड़ा झटका लगा है। टीम के सभी खिलाड़ियों पर जुर्माना लगाया गया है। बता दें स्लो ओवर टेस्ट के कारण टीम इंडिया के खिलाड़ियों की मैच फीस में 40% की कटौती की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस महकमे में सोमवार को बड़ी फेरबदल की है। इसके तहत 56 पुलिस उपाधीक्षकों को नई तैनाती मिली है। होली के त्यौहार को लेकर रेलवे ने कमर कस ली है। इस दौरान उमड़ने वाली भीड़ को गंतव्य तक पहुंचाने के लिए कई रूटों पर रेलगाड़ियां चलेंगी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच एक ही रेलगाड़ी में ज्यादा भीड़ नहीं हो इसे भी ध्यान में रखा जाएगा और इसीलिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में ट्रेनें चलाई जाएंगी। रणवीर कपूर सोशल मीडिया पर अपनी लेटेस्ट फोटो के जरिए छाए हुए हैं। इन फोटोज में उनके साथ बॉन्ग ब्यूटी विपाशा बासु भी नजर आ रही हैं। रणवीर कपूर और विपाशा ने हाल ही में एक कमर्शियल शूट किया है। प्री वेडिंग पार्टी और संगीत सेरेमनी के बाद फाइनली हरमन बवेजा और शाशा रामचंदानी शादी के बंधन में बंध गए हैं। उनकी शादी की फोटोज देखकर कहा जा सकता है कि इस कपल ने अपने स्पेशल डे को बेहद ट्रेडिशनल और सादगी से भरा रखा। वरिष्ठ अभिनेता सतीश कौशिक ने जानकारी दी है कि उनका कोरोना वायरस का टेस्ट पॉजिटिव आया है और वो घर में क्वारंटीन है। उन्होंने साथ ही लोगों से अपील की थी कि जो लोग उनके संपर्क में आए हैं वो लोग अपना टेस्ट करा लें।
हाल ही में अनुष्का और उनकी बेटी वामिका विराट कोहली का साथ देने अहमदाबाद पहुंची थी, जहां विराट भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज खेल रहे थे। अब वामिका को मम्मी अनुष्का और पापा विराट के साथ स्पॉट किया गया। अर्शी के फैंस के लिए खुशखबरी है, वो एक बार फिर जल्द ही रियलिटी शो में नजर आएंगी। अर्शी खान जल्द ही नेशनल टेलीविजन पर स्वयंवर रचाते हुए नजर आएंगी। 5 मिनट 25 खबरों में बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।